फ्रेंड्स, कल देवेंद्र फडणवीस ने, जो बीजेपी के लीडर हैं, सीएम हैं उत्तर महाराष्ट्र में, उन्होंने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना ली, जिसको वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, जो कभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हैं अब से 15-20 साल पहले, उन्होंने उसको शपथ दिलाई। और ये काम इतनी जल्दी किया गया कि सवेरे 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया गया और 8 बजे उनको शपथ दिला दी गई। जबकि परसों रात को ही 9:30 बजे मीटिंग उनकी कंप्लीट हुई एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की, जिसमें उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए पे सहमति जताई गई। लेकिन जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं मोटा भाई अमित शाह जी, उन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से सारा प्लानिंग की और अपना अजीत पवार को अपने पाले में लिया और सवेरे अपना उनको गवर्नमेंट बना दिया। ये भारत की राजनीति के ना, ये नौटंकियां हैं, इतनी ये डेमोक्रेसी की नौटंकियां हैं। महाराष्ट्र में तो पिछले 50 साल से ऐसी नौटंकियां चलती आ रही हैं। ये एक नई चीज नहीं है कि जो शरद पवार को उनके भतीजे अजीत पवार ने मात दे दी और उनको एनसीपी को तोड़ के उनको वो किया, समर्थन दे दिया। 78 में शरद पवार भी इसी तरह से चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के, जब वो 38 साल के थे, उसके जनता पार्टी के सपोर्ट से। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि ये तो एक हिस्ट्री को रिपीट किया गया है कि महाराष्ट्र में शरद पवार जिस तरह से पिछले 20 दिन से अपन वो चला रहे थे, उन्होंने के समर्थन के नाम पे इन्होंने बना रखा था, एक भ्रम जाल सा बना रखा था कि शिवसेना को सपोर्ट देंगे और आज सोनिया से मिल रहे हैं और शिवसेना को सपोर्ट देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जबकि सारा का सारा उनका जो दारोमदार था वो अपनी बेटी सुप्रिया ऑफ सूले को चीफ बनाने का ही उनका वो था प्लानिंग। और जब ये प्लानिंग पूरी तरह से कामयाब नहीं होती हुई दिखी तो उन्होंने फिर लास्ट में अपना उनको वो किया, उद्धव ठाकरे को सीएम के लिए आगे माना। और फिर लेकिन हमारे अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो तो उनका दिमाग तो और भी तेज चलता है, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। इसमें किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये कि इंडियन डेमोक्रेसी का कि किस तरह से जो यहाँ के नेता हैं इनको ये एमएलए बनकर अपना सिर्फ अपना किस तरह से अपना सत्ता हथियाना और किस तरह से गवर्नमेंट की नौटंकियां करनी है गवर्नमेंट बनाने के लिए। इनका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, इनका किसी एजेंडे से कोई लेना देना नहीं, इनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, बस किस तरह से अपना करके अपना गवर्नमेंट बनानी। कांग्रेस ने आज कल ही अपना सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जिसकी आज सुनवाई हुई सवेरे 11:30 बजे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने के 3 जजों की बेंचेस ने जिसको ऑर्डर इशू किए गवर्नर को, सेंटर को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि इन्होंने कब कैबिनेट ने इसको राष्ट्रपति शासन हटाया और कब ये उसके जो गवर्नर ने उनको जो समर्थन की चिट्ठी थी इनके जो और पार्टियों के बीजेपी को, वो सारी पेश की जाए सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई कल भी होगी। तो ये भारत की राजनीति है कि यहाँ पे किस तरह की नौटंकियाँ चलती हैं। पिछले 1 महीने से नौटंकियाँ ही चल रही है महाराष्ट्र में। गवर्नर ने शिवसेना को भी टाइम दिया बुलाने के लिए, लेकिन वो शरद पवार की पॉलिटिक्स देखिए क्या, वो पहले तो भ्रमजाल में बैठाए रखा कि हम उसको समर्थन दे रहे हैं और फिर वो भी। ये तो 2014 में भी सबको पता है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी तो शिवसेना की जो एनसीपी के जो वो थे वे सारे के सारे उसके समर्थन में खड़े हुए थे कि हमें भी कुछ सपोर्ट दो। तो ये महाराष्ट्र की ये इस तरह की हालत है कि भाई
वहाँ की जो ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स है, जो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी, चार क्वाड्रेंगुलर पॉलिटिक्स है जो चार पार्टियों के बीच में चलती है, तो आपस में किस तरह के नौटंकियां की जाएं और अपना पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए। बाद में तो फिर अपना सत्ता हाथ आने के बाद तो बस इनका एक ही एजेंडा रहेगा कि अपना जो अपना बहुजनों के उस पर अपना लाठी चलवा दो अपना, और अपना अपना राज किया जाए। तो भारत की राजनीति का एक बड़ा नौटंकी वाला चेहरा दिखाई दिया कि महाराष्ट्र में। हालांकि इस केस की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज भी होगी, जो कांग्रेस के लॉयर थे कपिल सिब्बल, उन्होंने खुद केस वो कहा कि केस का अगर जो इनके पास समर्थन है तो इसका फ्लो टेस्ट आज ही कराया जाए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, गवर्नर को, कि इनके सारे समर्थन की चिट्ठी कब मिली, कब इनका राष्ट्रपति शासन हटाया गया, कब कैबिनेट ने इसको रिकमेंड किया राष्ट्रपति शासन, वो सारी की सारी हमें वो दीजिए। अब कल सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा। ये आपको भी मालूम है कि पिछले साल कर्नाटका में जब जो वहाँ के गवर्नर है वजूभाई वाला ने उनको येदियुरप्पा को अपना सीएम बना दिया था और 15 दिन का वो दिया था टाइम, जिसके ऊपर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का ही टाइम दिया कि इनमें समर्थन दिया जाए, और फिर वो समर्थन अपना सिद्ध नहीं कर पाए। 15 दिन का टाइम भी उसने इसलिए दिया था कि ये पार्टी को तोड़ लें। तो अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। तो ये भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा वो है कि यहाँ किस तरह की नौटंकियाँ चलती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।